Students, my name is Aslan Shahid and this is lecture 11 for class 4 and subject is mathematics. Today's lecture is based upon exercise 17, which is at page number 20 of your textbook. So exercise 17 ke first question number jo ye hai, isko read karte hain. Bilal sold 254 yellow cars and 532 black cars. For every yellow car Bilal sold, he got rupees 7,890, and for every black car he sold, he got 4,650 rupees. How much money did Bilal make by selling the cars? ठीक है, बिलाल के पास जो थी यहाँ पे टू टाइप्स की कार्स थी. एक जो कार थी उसका येलो कलर था, जो एक टाइप की कार थी, जबकि जो दूसरी टाइप की कार्स थी उनका कलर कौन सा था? ब्लैक. अब जो येलो कलर की कार जब वो बेचता है, फॉर एवरी येलो कार, कि जब वो 254 थी उसके पास टोटल, लेकिन जब वो एक येलो कार को सेल करता है या बेचता है, तो उससे उसका जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो है 7,890. ठीक है, जबकि जो एक ब्लैक कार, फॉर एवरी ब्लैक कार, ठीक है, ही सोल्ड, कि जो एक ब्लैक कार को जब वो सेल करता है तो उसका जो प्रॉफिट होता है वो होता है 4,650. ठीक है, तो अब हमने फाइंड करना है कि हाउ मच मनी डिड बिलाल मेक बाय सेलिंग द कार्स, कि जब वो सारी कार्स बेच देगा तो तब उसके पास टोटल अमाउंट कितनी होगी. अब 250 येलो कार्स थी और हमारे पास एक येलो कार की जो उसके पास प्रॉफिट है वो आ जाती है, जबकि जो ब्लैक कार थी वो 532 थी. तो हमारे पास गिवन है एक कार की जो है वो प्रॉफिट की वैल्यू. तो इस क्वेश्चन में आपने सिंपल याद रखना है कि जब हमें ज़्यादा नंबर ऑफ आइटम्स गिवन हो और सिंगल एक की कॉस्ट गिवन हो, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सिंगल आइटम गिवन हो और ज़्यादा आइटम्स गिवन हो, मतलब बताया हो कि इतनी आइटम्स हैं और उसमें से एक आइटम की कॉस्ट इतनी है, तो उसमें आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. तो इस क्वेश्चन में भी देखें कि 254 जो थी ये आइटम थी, 254 येलो कार्स हमें गिवन है और हर येलो कार की प्रॉफिट गिवन है. तो अगर मैं कहूँ कि ये टोटल सब 254 जो कार्स हैं इनको अगर मैं सेल कर दूँ तो मेरी प्रॉफिट कितनी हो, मैं सिंपली क्या करूँगा, 254 को मल्टीप्लाई कर दूँगा 7,890 से. इसी तरह 532 ब्लैक कार्स हैं, अगर मुझे ये फाइंड करना हो कि 532 ब्लैक कार्स को जब मैं सेल करूँगा तब मेरी प्रॉफिट कितनी होगी, तो मैं क्या करूँगा कि जो एक सिंगल कार से प्रॉफिट होगी उसको 532 से मल्टीप्लाई कर दूँगा 4,650 से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी. अब येलो कार्स की वैल्यूज़ किस तरह आएंगी, 254 को 7,890 से मल्टीप्लाई करने के बाद ब्लैक कार्स की जो प्रॉफिट की वैल्यू होगी वो किस तरह से आएगी, 532 को मल्टीप्लाई करने पे 4,650 के साथ. ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, ये तो वैल्यूज आ गई येलो कार्स की और ब्लैक कार्स की टोटल इंडिविजुअली. हाउ मच मनी डिड बिलाल मेक बाय सेलिंग द कार, कि जब वो दोनों को बेच देता तो तब टोटल क्या होगी, तो टोटल क्या होगी कि जो येलो कार्स की वैल्यू आएगी और जो ब्लैक की आएगी इनको सम कर देंगे. ठीक है, क्या करेंगे? सम, क्योंकि दो चीज़ें गिवन है, इन दोनों का टोटल फाइंड करना है, तो दोनों को सम कर देंगे. इसके सोल्यूशन को देख, अब सोल्यूशन में देखें कि जब वो एक सिंगल येलो कार को जो है वो सेल करता है तो उसका प्रॉफिट कितना आता है, 7,890. लेकिन जब वो 254 येलो कार को सेल करता है तो तब उसका किस तरह से आएगा, उसकी जो कॉस्ट है या उसकी जो वैल्यू है प्रॉफिट की वो किस तरह से आएगी, कि हम सिंपल 7,890 को उसकी टोटल नंबर ऑफ कार से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब येलो की फाइंड करनी है, येलो की टोटल नंबर ऑफ कार सी 254, तो इसको सिंपल 254 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो येलो से उसका प्रॉफिट आएगा टोटल येलो कार से वो हमें फाइंड हो जाएगा. अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं कि ये जो है 7,890 इसको ऊपर लिखें, 254 से मल्टीप्लाई करें. अब मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस आपने इसकी एक्सरसाइज की हुई है, टू एक्सरसाइज, ठीक है, तो इसको आपको क्लियर कट ये प्रोसेस जो है वो अब आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन का. तो स्टार्ट करते हैं सेकंड नंबर की फर्स्ट एंट्री से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे क्या है, 4, 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 9 36, 36 का 6 यहाँ पे लिखेंगे, 3 कैरी जाएगा. ठीक है,
एट इंटू फोर 32, 32, 32 प्लस जो कैरी 3 था कितना बन गया 35, 35 का 5 यहाँ पे आएगा, 3 कैरी जाएगा। 7 इंटू फोर 28, 28 प्लस 3 31, तो अब नेक्स्ट को यहाँ पे डिजिट नहीं है तो 31 को कम्प्लीटली यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो नंबर है टेंस वाली एंट्री उसे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 5 है। अब चूंकि ये 10 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका आंसर भी जब हमने लिखना है तो इसको 10th पोजीशन के बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करना है, तो जो इसकी प्रीवियस एंट्री होगी वहाँ पे आप 0 भी लिख सकते हैं या क्रॉस भी। 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 9 45, 45 का 5 यहाँ पे, 4 ऊपर फिर से कैरी चला जाएगा। 8 इंटू 5 40, 40 प्लस 4 44, 44 का 4 यहाँ पे आ जाएगा, 4 दोबारा से कैरी चला जाएगा, ठीक है। 7 इंटू 5 35, 35 प्लस 4 39, 39 चूंकि यहाँ पे आगे कोई डिजिट नहीं है तो 39 कम्प्लीटली यहाँ पे लिख देंगे, अब कोई कैरी नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट हम 100 की एंट्री से स्टार्ट करते हैं, तो 100 एंट्री का जो आंसर होगा वो 100 के नीचे से ही स्टार्ट करना है एग्जैक्टली, बिल पीछे जो इसकी एंट्रीज है वहाँ पे आप क्रॉस भी लगा सकते हैं और 0 भी। तो स्टार्ट करते हैं, 2 इंटू 0 0, 9 इंटू 2 18, 18 का क्या आ जाएगा 8 यहाँ पे आएगा, 1 कैरी जाएगा, ठीक है। 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 1 17, 17 का 7 यहाँ पे आ जाएगा, 1 फिर से कैरी जाएगा। 7 इंटू 2 14, 14 वो जो 1 कैरी था 15, तो आगे क्यों नंबर डिजिट नहीं है तो 15 एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। अब जब हमने इनको इंडिविजुअली एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये आंसर आया। अब हमने क्या करना होता है बेसिकली, जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं तो जब इंडिविजुअल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं जो आंसर आता है उनके उन सब आंसर को उनकी सबमिशन करते हैं, एडिशन करते हैं। तो यहाँ पे देखें, 0 प्लस 0 प्लस 0 0, ठीक है। 6 प्लस 0 प्लस 0 6, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 0 10, 10 का 0 यहाँ पे आएगा, 1 कैरी चला जाएगा। अब ये देखिए, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 1 14, 14 का 4 यहाँ पे आएगा, 1 कैरी चला जाएगा। 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 9 ठीक है, 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 7 20, 20 का 0 यहाँ पे आएगा, 2 कैरी चला जाएगा। 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 5 10, 10 का 0 यहाँ पे, 1 कैरी चला जाएगा। 1 प्लस 1 2, 2 यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे। अब ये हमारे पास जो आंसर आया बेसिकली ये आया है कि जो टोटल येलो कार सेल करने से, येलो कार जो होंगी उनको सेल्स करने से उसके पास जो प्रॉफिट होगी वो टोटल इतनी होगी। अभी हमने ब्लैक की फाइंड करनी है, फिर हमने दोनों की कंबाइन फाइंड करनी है। वाली को देखते हैं, ब्लैक वाली का भी सिंपल प्रोसीजर यही है कि जो एक ब्लैक कार थी उसमें उसकी प्रॉफिट थी 4650, जो कॉस्ट 532 ब्लैक कार्स की फाइंड करनी है, तो वो सिंपल क्या कि जितनी आइटम्स होंगी उसके साथ सिंगल की आइटम, सिंगल की जो कॉस्ट होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने कहा कि जब ज़्यादा आइटम्स गिवन हो और सिंगल की कॉस्ट गिवन हो तो सिंपल क्या करेंगे वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको फर्स्ट पे लिखेंगे, इसको सेकंड पे, और मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई का प्रोसीजर आपने पीछे भी, इसको मैंने भी किया है रिसेंटली, पीछे एक्सरसाइज भी की हुई है आपने प्रीवियसली इसकी, तो ये आपने सारा प्रोसेस जो है ये इसको खुद करना आप इजीली कर सकते हैं। जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर होगी मल्टीप्लीकेशन की। तो अब जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये जो आंसर आ जाता है ये किसके लिए आ जाता है, ब्लैक कॉर्ड्स के लिए। ब्लैक कॉर्ड्स के लिए अब जो टोटल अमाउंट उसकी प्रॉफिट होगी वो ये आएगी। अब हमारे पास ब्लैक के लिए भी आंसर आ गया, येलो कॉर्ड्स के भी लिए आ गया। अब लेकिन हमने फाइंड क्या करना था, टोटल फाइंड करना था कि जब हम येलो प्लस ब्लैक को जो है वो सेल करते हैं तो तब हमारे पास आंसर क्या होगा, तब टोटल अमाउंट किस तरह की होगी, कितनी होगी। तो सिंपल क्या करेंगे कि जो येलो कार्स को सेल करने से प्रॉफिट हुआ है और जो ब्लैक कार्स को सेल करने से प्रॉफिट हुआ है उनको ऐड कर देंगे तो टोटल आंसर आ जाएगा। टोटल मनी ही गॉट कि ये जो येलो कार्स थी उनको सेल करने के बाद जो प्रॉफिट हुआ था और जो ब्लैक कार्स थी उनको सेल करने के बाद जो प्रॉफिट हुआ था, इनको सिंपल ऐड कर देंगे, ठीक है। एडिशन भी आपने की हुई है, इसको दोबारा से देख लेते हैं। एडिशन हमने अभी वैसे मल्टीप्लिकेशन में भी एडिशन की है, दोबारा से इसको करते हैं। 0 प्लस 0 0, 6 प्लस 0 6, 0 प्लस 8 8, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 0 7, 9 प्लस 4 13, 13 आ गया,
तो जब दो चीज़ टेंस में इंट्री में आ जाए तो उसकी जो यूनिट वाली इंट्री होती है उसको लिखते हैं, जो टेंस वाली इंट्री होती है वो कैरी चली जाती है, तो यहाँ पे वन कैरी आ जाएगा। वन प्लस वन टू, टू प्लस टू फोर। तो अब येलो और ब्लैक कार को सेल करने से जो प्रॉफिट हुआ था वो ये था, तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। इस क्वेश्चन को दोबारा से देखें, इसमें हमने करना क्या था कि हमारे पास जो थी बिलाल सौर, उसके पास 254 येलो कार थी, 532 ब्लैक कार थी। जो येलो कार को जब एक कार को सेल करता था प्रॉफिट इतना होता था, जब ब्लैक को सेल करता था प्रॉफिट इतना होता था। हाउ मच मनी डिड बिलाल मेक बाय सेलिंग द कार, तब टोटल दोनों कारों को सेल कर दिया तो तब प्रॉफिट हमने फाइंड करना था। हमने पहले इंडिविजुअली देख लिया कि येलो कार्स को सेल करने से कितना प्रॉफिट हो रहा है ब्लैक कार्स को, तो इसको किस तरह से देखा कि जो इसकी टोटल कार्स थी उसको सिंगल की जो कॉस्ट थी उसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसी तरह जो ब्लैक की टोटल कार्स थी उसके सिंगल इंट्री सिंगल कार की जो कॉस्ट थी उसके साथ मल्टीप्लाई किया, बाद में जो आंसर आए हैं उनको ऐड कर लिए। इस एक्सरसाइज का आज हम क्वेश्चन नंबर ए ही करेंगे। बच्चे काइंडली इसको अंडरस्टैंड करिएगा, इस क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज को हम स्लोली करेंगे, क्योंकि प्रीवियस जो एक्सरसाइज की थी उसमें हमें पता था कि यह मल्टीप्लिकेशन होनी है या एडिशन होनी है डिवीजन होनी है, लेकिन इसमें सबका कम्बिनेशन यूज़ हो रहा है, तो इसमें आपको एग्जाम में क्लियरली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमें कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करनी है कहाँ पे एडिशन करनी है। ठीक है, इसमें हमने ये सीखा कि मल्टीप्लिकेशन तब करनी है जब ज़्यादा एंट्रीज की वैल्यू गिवन होगी और हमें ज़्यादा एंट्रीज की टोटल टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज जो हैं वो गिवन होगी और उसमें से किसी एक एंट्री की वैल्यू गिवन होगी, तो तब हमने टोटल की वैल्यू फाइंड करने के लिए मल्टीप्लिकेशन करनी है। और एडिशन कब करनी है कि जब हमें टू एंट्रीज की वैल्यू आ जाएंगी उनका टोटल फाइंड करना हो तो जस्ट उनको सम करने से भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो आज का जो है क्वेश्चन नंबर ए ही है, इसकी आपने होम प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन को दोबारा करिएगा।